उड़ीसा की प्रभारी घोषित करने के बाद पहली बार मैं 3 दिन के दौरे पे यहाँ आया हूँ। यहाँ सबसे अपना परिचय देना और सबके परिचय मुझे लेना था। इन 3 दिनों में मैं सभी से मिली, पार्टी के जो नेता थे सभी से मिली, जिला अध्यक्षों से मिली, कोर कमेटी मेंबरों से मिली, पदाधिकारियों का बैठक हुआ। वैसे जो भी नेता मुझसे बात करना चाहते थे उन सब से भी मैं अब भी मिल रही हूँ। पूरी जगन्नाथ प्रभु के आशीर्वाद से हम सब यही चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बनके जो अब भी उभर कर आई है वो और भी स्ट्रेंथन हो और 2023 में भगवान जी के आशीर्वाद से हम सत्ता में आ सके, ऐसा हमारा प्रार्थना है पूरी जगन्नाथ जी से। 2014 में जब भारत देश में जब चुनाव हुआ था तब किसी को ये विश्वास नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पैमाने में सीटें जीत के सत्ता में आएगी। सभी लोग यही कहे कि 120 जीते तो जीत सकती है भारतीय जनता पार्टी। पर उस दिन जब भारत देश के जो परिस्थिति थी उस पर अगर नजर डालेंगे तो बहुत बड़े पैमाने में वहां करप्शन था और सुशासन की नाम ही नहीं था, जिसके वास्ते भारतीय लोग एक बदलाव चाहते हुए भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिए थे। 280 सीट्स मिले थे हमको। 2019 में जब चुनाव हुई थी तब भी लोगों को विश्वास नहीं था कि हम बहुत बड़े पैमाने में सीट जीतेंगे। फिर भी भारतीय जनता पार्टी 2014 में सबके साथ सबका विकास का जो नारा लेके लोगों के सामने आया और उन 5 सालों में जो वादा भारतीय जनता पार्टी लोगों को दिया उसको निभाते हुए, सुशासन जो दिए देश को उसको नजर में रखते हुए 2019 में 303 सीट्स में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिता के अनूह्य रूप से भारतीय जनता पार्टी को अपने आशीर्वाद दिए थे। और 2019 में भारतीय जनता पार्टी का नारा था सबके साथ सबका विकास सबका विश्वास भी। इसलिए विश्वास जोड़े क्योंकि जो 5 साल में जो वादा भारतीय जनता पार्टी लोगों को किया था उन सबको निभाने के वास्ते सबका विश्वास भी जोड़ के नारा लेके लोगों के पास भारतीय जनता पार्टी आई थी और बहुत अच्छी जीत हासिल कर सकी थी। केवल दो पार्लियामेंट मेंबरों से जो भारतीय जनता पार्टी की प्रस्थान शुरू हुई है अब हम 303 सीट जीतने तक हम आ गए हैं और ये सब श्रेय जाता है अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिनको बिना विश्वास के कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ सकती है अपना पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने समर्पण कर दिए थे। सो पूरा श्रेय उनको जाता है और उनके साथ हमारा नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे होम गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, वो सब जिस कुशलता से हमको हैंड होल्डिंग किए उसी की वजह से हम इतना बड़ा जीत हासिल कर पाए। इन 6 सालों में अगर एक बार आप मुड़ के देखोगे तो जैसे मैंने पहले कहा जो भी वादा भारतीय जनता पार्टी देश के प्रजा को दिए थे उसे निभाते हुए हर एक कार्यक्रम हर एक प्रोग्राम आगे लेके आई। भारतीय जनता पार्टी यही मानती है कि समाज में जो गरीब है, जो दबके हुए हैं, जो पिछड़े हुए हैं उन सबको अगर हम आगे लेके जाएंगे साथ में तभी हम भारत देश की प्रगति हम हासिल कर सकते हैं, ये ऐसी विश्वास भारतीय जनता पार्टी करती है।
और इसीलिए सभी प्रोग्राम आप जनधन योजना देखो, जीवन ज्योति, जीवन सुरक्षा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री किसान योजना, अटल बिहारी पेंशन योजना, मातृत्व वंदन योजना, मातृत्व सुरक्षित योजना, इंद्रधनुष योजना, किसी भी प्रोग्राम पर आप नजर डालोगे तो हर एक कार्यक्रम केवल इस देश के गरीबों और दबके हुए लोगों को वेलफेयर देने के वास्ते ही आगे लेके आ गया है, ये आपके समझ में आएगा। अब हम ओडिशा में हैं, हम ओडिशा के भी बात करनी चाहिए यहाँ पे, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी हर एक दिए हुए वादे को निभाते हुए आगे जा रही है। यहाँ स्पष्ट नजर आता है कि जो बीजेडी हर एक बार चुनाव होते समय वादा करते हैं अपने लोगों को, कहीं पे भी उसको निभाते हुए नजर नहीं आती है। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहती हूँ, 2019 में, 2014 में बीजू जनता दल ने यही वादा किया कि हम पक्का घर बना के देंगे यहाँ के गरीब लोगों को, कच्चे घर जो है उसे हम पक्का करेंगे, ये 2014 में उन्होंने वादा किया था। फिर 2019 में जब चुनाव हुआ, उसी वादे के साथ आगे आए कि अब जो कच्चे घर है उन सबको हम पक्का कराएंगे। यानी कि 2014 से लेके 2019 तक आपने अपना जो वादा था पक्के घर बनाने का, उसे नहीं निभाए, ये स्पष्ट नजर आता हमको। अब भी कहते हैं कि कच्चे घर को हम पक्के घर में बदल देंगे, पर ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 2,00,000 घर अब भी बनानी है। ये कैसे सुशासन होगा, ये कुशासन है, ये लोगों को समझना है। वैसे ही अगर हम लोगों के स्वास्थ्य पर एक नज़र डालेंगे तो भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी प्रोग्राम लेके आई, आयुष्मान भारत, जिसमें जो भी देश में गरीब है उन सबको 5,00,000 रुपये तक मेडिकल असिस्टेंट दिलवाने का एक बृहत्तर कार्यक्रम केंद्र प्रशासन ने आगे लेके आया। यहाँ ओडिशा में ओटीएफ नाम के एक प्रोग्राम थी इससे पहले, पर जब आयुष्मान भारत लेके आए तो यहाँ के मुख्यमंत्री ओटीएफ को बंद करके यही बोले कि हम बिजू स्वास्थ्य योजना लेके आएंगे जिसके तहत हम गरीबों के स्वास्थ्य दिलवाएंगे हम। पर वो हो रहा है क्या? जितना रुपये हर एक हॉस्पिटल को देना है इतना कम रखे कि गरीब किसी हॉस्पिटल में जाना छोड़िए, कोई भी हॉस्पिटल अब इस स्वास्थ्य योजना में जुड़ने के लिए तैयार नहीं है, ये आप सबको मालूम है। हम यही पूछते हैं नवीन बाबू से कि जो आयुष्मान भारत जो देश के गरीबों को स्वस्थ देने का कार्यक्रम प्रशासन लेके आया है केंद्र का, आप क्यों नहीं लिए? आप गरीबों का वेलफेयर नहीं चाहते हो क्या? उसकी भलाई नहीं चाहते हो क्या? आपको गरीबों को जवाब जरूर देना है। वैसे ही आपने यही ये भी वादा किए कि ओडिशा में सभी को हम पीने का पानी नल के थ्रू देंगे, पर हम आज पूछना चाहते हैं नवीन बाबू से कि कितने घरों तक आप ये नल का पानी लेके गए? आज भी ओडिशा में 1,250 गांव ऐसे हैं, पंचायत ग्राम ऐसे हैं जहां का पानी पीने तक लायक नहीं है, मिलना छोड़िए पीने तक लायक नहीं है। और 1,500 ऐसे गांव हैं जहां पे आपने पाइपलाइन ही नहीं लेके गए, तो किस वादे की बात करते हो आप? किस शासन की बात कर रहे हो आप? इसका जवाब जरूर उड़िया के लोगों को, नवीन बाबू को देना ही है। और वैसे ही किसानों के मुद्दे पे आएंगे, किसानों पे जो बिल केंद्र प्रशासन लेके आया उस पे इतना हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं सब अपोजिशन पार्टियां। हम यहाँ के प्रशासन से यही पूछना चाहते हैं या यहाँ के किसानों को यही पूछना चाहते हैं कि कौन किसानों का हित चाहता है, केंद्र प्रशासन या प्रदेश का प्रशासन? क्योंकि अगर यहाँ प्रदेश में जो हो रहा है
अगर आप एक बार देखोगे, उस पर नजर डालोगे, तो कालिया नाम के एक प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन किया था कि प्रदेश का प्रशासन। कालिया क्या होता है? केंद्र सरकार 6,000 रुपये देती है हर साल यहाँ के किसानों को। वो तो आ रही है उनके बैंक के अकाउंट में, पर जो 4,000 रुपये कालिए प्रोग्राम के अंदर प्रदेश सरकार को देना है, अब तक वो नहीं दे रहे हैं। पहले उन्होंने यही बताया कि यहाँ 35 लाख फार्मर्स हैं, फिर उसको घटाते आज 21 लाख बता रहे हैं। यानी कि आपके यहाँ एन्यूमरेशन ही ठीक तरह से नहीं हुआ, ये स्पष्ट रूप से हमें जान पड़ता है। और यही नहीं, आपने कहा कि अगर आप मुझे आशीर्वाद दोगे और मुझे सत्ता पे लेके आओगे तो 10 लाख एकड़ को मैं सिंचाई के पानी दूंगा। हर साल मैं 25% बढ़ाते मैं 5 साल के अंदर 10 लाख एकड़ को मैं सिंचाई का पानी दूंगा। अब भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है उनसे, उड़ीसा के किसान पूछ रहे हैं नवीन बाबू से कि आप इन सालों में जब तक आप सत्ता में आने से लेकर अब तक कितने लाख हेक्टर को आपने सिंचाई के पानी दिया, आपको जवाब देना पड़ता है। वैसे ही लॉ एंड ऑर्डर देखिए, लॉ एंड ऑर्डर देखने पर भी आपको सुस्पष्ट यही समझ में आता है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। महिलाओं की तस्करण होती है, महिलाओं पर बलात्कार होता है। मैं नयागढ़ गई थी परसों, वहाँ एक 5 साल की बच्ची जिस क्रूरता से उसकी हत्या हुई, समशीलता से यहाँ के प्रदेश सरकार को रेस्पॉन्ड करने के बगैर जो हत्यारे हैं उनके खुद के मिनिस्टर अरुण साहू उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, और अभी तक नवीन बाबू इस पर कोई एक्शन नहीं लिए। हम पूछना चाहते हैं कि कौन से संरक्षण की बात कर रहे हो आप? आप चुनाव लड़ते वक्त यही बोले कि 4.5 करोड़ लोग मेरे बच्चे हैं, मेरे अपने बच्चों की तरह मैं उसका संरक्षण करूंगा। नवीन बाबू से यही पूछना चाहते हैं हम बहुत विनम्रता से कि क्या वो छोटी सी बच्ची परी जो 5 साल की है वो इन 4 करोड़ में से नहीं है? आपके बच्चे है कि नहीं? आपको तो जवाब देना है। हमने उनकी माता पिता से मिलके आए, वो मांग रहे, वो खुद असेंबली के यहाँ आके सेल्फ एमुलेशन को ट्राई कर रहे थे वो लोग, ताकि न्याय मिले अपने बच्ची को। पर कहाँ का न्याय की बात कर रहे हैं? हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि लोग, उड़ीसा के लोग नवीन बाबू पर विश्वास करते हुए बीजेडी को वोट दिए। किसी यहाँ किसी अफसर बाबू को वोट नहीं दिए, यानी कि यहाँ का शासन नवीन बाबू को करना है, आपके अफसर नहीं। तो इसका भी जरूर नवीन बाबू को रिप्लाई देना ही पड़ेगा। और यहाँ का जो करप्शन है, कितने कितने बड़े पैमाने में यहाँ करप्शन होती है सबको पता है। कोल का स्कैम है, फॉरेस्ट का स्कैम है, चिटफंड का स्कैम है, लैंड का स्कैम है, जिस पे भी देखो हुए स्कैम ही स्कैम है। तो ये सुशासन कैसे होगा? इसलिए मैं बोली उड़ीसा में सुशासन नहीं, कुशासन चल रहा है। यहाँ पे आपके खुद के जो फॉर्मर मिनिस्टर थे, जो सिटिंग एमएलए है गोपालपुर से, श्री प्रदीप पाणिग्रही जी, उनको खुद अरेस्ट किया गया फोर्जरी और क्रिमिनल केसेस के अंदर। आपके जो बीजेडी के जो लोकसभा एमपी है मयूरभंज से, रामचंद्र हंसदा जी और दो एमएलए भी, नाम मेरे अभी याद नहीं आ रहे, उनको भी चिटफंड स्कैम में, तो उनको भी अरेस्ट किया गया है। और अत्थागढ़ प्रांत में वहाँ के किसानों का कहना यही है कि आपके मिनिस्टर राणेंद्र प्रताप स्वयं का भाई खुद वहाँ के किसानों के लोन के स्कैम में वो खुद जुड़ा हुआ है। और जो मैं कही परी की हत्या जो किया, वो खुद अरुण साहू के
जान पहचान वाले हैं, बहुत चाहने वाले हैं। तो इतनी करप्शन जब यहाँ उड़ीसा में हो रही है, आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए हुए केंद्र स्तर पर 6 साल हो गए, पर कोई भी एक भी उंगली उठा के ये नहीं कह पाएगा कि नरेंद्र मोदी जी ऐसा भ्रष्टाचार करे या उनके मंत्रिमंडल के मंत्री कोई भ्रष्टाचार करे। इतनी सुशासन हम देश को दे रहे, इसलिए हम यही विनती करते हैं यहाँ के लोगों से कि एक बार जागिए, समझिए, और भारतीय जनता पार्टी जैसे जो अच्छा पार्टी है, जो खुद लोगों का संक्षेम चाहती है, वेलफेयर चाहती है, ऐसे पार्टी को आप आशीर्वाद दीजिए। आगे के समय हम सब केवल राजनीतिक तौर पर ही नहीं, हर एक पार्टी चाहती है कि हमें सत्ता पे आना है, हम भी चाहते हैं उड़ीसा में सत्ता में आना है भारतीय जनता पार्टी को। पर दूसरे पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी अलग है, क्योंकि हर एक पार्टी सत्ता में केवल अधिकार के लिए आना चाहती है, पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लोगों का सेवा करने के लिए आना चाहती है। यही मैं स्पष्ट करके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।